लोकसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है हैदराबाद लोकसभा सीट की। वजह है यहां से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का प्रत्याशी होना और उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता की चुनौती होना। उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही माधवी लता लगातार असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर ले रही हैं। अब एक बार फिर उन्होंने ओवैसी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमान गोमांस खाने तक ही सीमित रहें और वो आगे बढ़े। और क्या कुछ कहा माधवी लता ने, आप भी सुनिए। ये सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे ये लोग, इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, तो ताज्जुब की बात है ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। और इससे भी तो दर्दनाक बात तो ये है कि वो मुसलमान को एक बीफ किस हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। तब तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीफ के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? एक ऐसा पार्टी के लीडर जो कभी मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करे, लोगों को 5 साल में क्या करना चाहिए वो ये बात तकरीबन 40 साल से बोलते नहीं आए, उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस देश में मना है, ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है और उनकी एक अपना प्रार्थना करने वाले गौ माता के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो बस भड़काने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। एक संसद में चुने जाने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव को इस प्रकार का बात करना उनके लिए तो शोभा नहीं दे रही है। अब प्रजा को सोचना चाहिए कि 40 साल तो बीप काटते काटे आगे है, अगर तरक्की ना करते हुए और आगे भी और एक 40 साल पूरे मुसलमान भाई बहनों को बीफ काटते और काटते ही निकलना है, तो पसमंदे वही दलदल में रह जाएंगे। शिया भाई कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आगा कम्युनिटी वाले कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, बोरा कम्युनिटी वाले कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, और जहाँ के लोग वहीं रह जाएंगे और शायद इससे भी बदतर हो जाएंगे, क्योंकि हमको सबको मालूम है ऑटो वाले ऑटो रह चुके हैं और रिक्शा वाले रह चुके हैं, और इससे तो बदतर बात तो ये है असद भाई के पास एक अच्छा फॉर्मूला है, अगर कोई पसमंदा भाई बहन मिल जाते तो असदुद्दीन भाई से पूछ लेना, आप किराए के घर से एक बड़ा अपना खुद का 7 एकड़ों में बिल्डिंग बनाने का रहस्य फॉर्मूला उनके पास है। जरा पूरे हमारे पसमंदे भाई बहनों का अगर वो फॉर्मूला बता दे तो हमारे भी बोझ जरा हल्का हो जाती, हमारा पसमंदे भाई बहन भी बेचारे किराए घर में है 4-4, 5-5 हजार के रेंट देते हुए, पापी पेट का सवाल है, दे नहीं पा रहे, बच्चे तकलीफ में है, असद भाई जरा उनको फार्मूला दे दो साहब किराए के घर से कैसा मंजिले बनाना, सारे पसमंदा भाई भी बना देंगे मंजिल। फिलहाल माधवी लता का ओवैसी पर जुबानी हमला लगातार जारी है, यही वजह है कि वो सुर्खियों में ज्यादातर रह रही है। अब इसका उन्हें कितना फायदा होगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।